हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यस्टे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो 2013 का होगा। आपके टीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का सभी मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के जिससे बनाया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, वोट देने का अधिकार एक अधिकार है तो कैसा अधिकार है? तो ये एक विधिक अधिकार है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो ये है चौथी अनुसूची। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथी अनुसूची में भारत के सभी राज्यों वो दो संघ राज्य क्षेत्रों जो दिल्ली और पांडिचेरी है, इसमें जो है राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें मानी जाती हैं, 31 सीटें हैं। ठीक है, और तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये शपथ से संबंधित है। ठीक है, शपथ ग्रहण से संबंधित है। और पाँचवीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। और छठी अनुसूची के अंतर्गत जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजात क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। पाँचवीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, और छठी अनुसूची जो है इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजात क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो दोनों महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजन के लिए देता है, तो यहाँ पर दोनों याद रखिएगा और बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनमेल बताइए, मेल नहीं खा रहा है। तो तिलक, विपिन चंद्रपाल, गोखले नौरोजी, नेहरू बोस, जयप्रकाश नारायण नोहिया, तो इसमें से बेमेल कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेहरू बोस का युग में सही नहीं है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू नरम दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस ये गरम दल के नेता थे, इसलिए ये मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना उनका ये कर्तव्य नहीं माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 167 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं को जानकारी देना, विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना, ये सभी है, लेकिन अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद 78 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में जो है राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 52 क्या है? तो अनुच्छेद 52 के अनुसार जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 61 क्या है? अनुच्छेद 61 तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संबंधी उपबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में कहा है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर ने कहा था कि इसे संविधान का हृदय और आत्मा, और इस अधिकार के अंतर्गत जो है जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब वह उपचार के लिए जो है उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है, और मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु जो है उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रेटें जारी करने की शक्ति भी दी गई है इसी के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का आत्मकथा का शीर्षक है, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग उनकी आत्मकथा का ये शीर्षक था, और ये पुस्तक जो है 1929 में प्रकाशित हुई थी, और हिंद स्वराज जो है इस पुस्तक के लेखक भी गांधी जी हैं, और इस पुस्तक की मूल रचना जो है गुजराती भाषा में हुई थी,
इसका प्रकाशन इन्होंने 1909 ईस्वी में किया था। और भारत की खोज इस पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसकी जो है रचना इन्होंने 1944 में किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता एक विशिष्टता है, तो ये राज्य की विशिष्टता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता राज्य की विशेषता होती है, यह राज्य का परम आवश्यक तत्व होता है, इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो लाक ने जो है सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है, तो ये सही नहीं है। लाक जो है सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, ये भी सही नहीं है। लाक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, ये सही है आपका लाक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाक ने राज्य और सरकार में विभेद किया था। दसवां नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति होती है, तो 55 सदस्यगण, ठीक है। संसद की सदनों की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए जो है गणपूर्ति आवश्यक होता है, और गणपूर्ति के लिए जो है सदन के कुल सदस्य के 1/10 यानी 1/10 का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। इस प्रकार जो है वर्तमान में राज्यसभा तथा लोकसभा में गणपूर्ति रखा गया है, तो राज्यसभा में 25 गणपूर्ति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में, और लोकसभा में 55, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है, तो राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या जो है विकासवादी सिद्धांत करता है, और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उसमें सबसे सर्वमान्य सिद्धांत जो है ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत माना जाता है। और विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से थे, तो मैकाइवर था, ब्रंसटली था, बर्क था, मॉन्टेस्क्यू था, लिकॉक था, गार्नर था, ये सभी जो है विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व है, तो उदारवाद का मूल तत्व क्या होता है, तो वैयक्तिक स्वतंत्रता होता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद का मूल तत्व जो है वैयक्तिक स्वतंत्रता है। उदारवाद का सारभूत अर्थ होता है स्वतंत्रता, बाह्य प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता जो है यही माना जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और उदारवाद का जनक किसको माना जाता है, तो जॉन लॉक को, ठीक है, जॉन लॉक को, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो 1 वर्ष बाद, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन के 1 वर्ष बाद ही जो है सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरपंच को अपने पद से इस्तीफा या त्याग पत्र देना पड़ता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये केशवन भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, 1973 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने केशवन भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिसको कि आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा, ठीक है। प्राचीन काल में देखा जाए तो सर्वप्रथम अरस्तु ने शासन के अंगों का विधायी, कार्यकारी और न्यायविद 3 अंगों में वर्गीकृत किया था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये ऑस्टिन ने किया था, ठीक है। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का पूर्ण विकास जो है जॉन ऑस्टिन के चिंतन में हुआ था, और उसने जो है 1832 में एक पुस्तक निकाली थी जिसका नाम था प्रॉमिस ऑफ ज्यूरी प्रूडेंस डिटरमाइंड, ठीक है, और इसी में उन्होंने वैधानिक संप्रभुता अथवा कहा जाए तो एकात्मवादी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, ठीक है।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य जो निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों होते हैं ये शामिल इसमें नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा और विधान परिषद के ही सदस्य इसमें शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया जाता था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, ये महात्मा गांधी ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उनके अनुसार जो है संपत्ति के इस जो प्रन्यास सिद्धांत था इसके अनुसार उसने बताया था कि संपत्ति के निजी नियंत्रण में रहें परंतु वे स्वयं को उसका संरक्षण माने, उसका स्वामी नहीं माने, ठीक है। यह जो है ईशोपनिषद में प्रस्तुत अपरिग्रह के आदर्श पर आधारित था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये डी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 में कार्यशील नहीं है? 1994 से कार्यशील नहीं है तो वह है न्यासी परिषद, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर जो है न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए जो है न्यास समिति का निर्माण भी किया था और जो मैंडेट की भांति न्यास की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों के समझौते का परिणाम थी। लेकिन 1994 के बाद जो है न्यासिता परिषद लगभग समाप्त हो गई या कहें तो निष्क्रिय हो गई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? अशांति का अग्रदूत कहा गया है तो वो बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, बेताज बादशाह भी कहा जाता है, हिंदू राष्ट्रवाद के पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है और लंदन टाइम्स के संवाददाता थे एक वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल ने जो है तिलक जी को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? तो ये कहा था अरविंद ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्य दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है, यह कथन अरविंद घोष का था। यह एक महान योगी व दार्शनिक थे। उन्होंने जो है युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था किंतु बाद में वह योगी बन गए थे और पुदुचेरी में जो है इनका एक आश्रम स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? वो है वर्ग, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार जो है वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। मार्क्स जो है राज्य को एक वर्ग मानता है, वह कहता है कि राज्य तब तक बने रहेगा जब तक समाज में वर्ग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रॉबर्ट ओवेन के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद जो है वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय शब्द है और इसका प्रयोग जो है 1827 में रॉबर्ट ओवेन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका जो था ओनाइट को ऑपरेटिव में जो है व्यक्तिवादी और उदारवादी के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है रॉबर्ट ओवेन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदायों ने जो है समाजवादी और समाजवाद का शब्द प्रयोग करने लगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है तो किसके द्वारा? तो राजनीतिक दल द्वारा, विधानपालिका द्वारा, संविधान के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व का निर्धारण जो है राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए जो है गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होता है, इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में, तो ये 110 के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, इसमें धन विधेयक को परिभाषित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक तभी कहलाता है जब उसमें जो है करों का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान होते हैं, ठीक है। और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, उसका निर्णय जो है अंतिम माना जाता है। और अनुच्छेद 111 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद जो 111 है इसके अनुसार जब कोई विधेयक संसद की दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर अनुमति देता है और अनुमति जो है रोक लेता है, ये कहा गया है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। 112 के अनुसार क्या कहा गया है, तो इसमें जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखा जाएगा। इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 113 में क्या व्यवस्था किया गया है, तो 113 के अंतर्गत जो है संसद में प्राकलनों के संबंध के प्रक्रिया के बारे में उपबंध किया गया है। तो यहाँ पे चारों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है, नहीं पूछा है यहाँ पे, तो हिंद स्वराज जो है गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी की जहाज में हिंद स्वराज की मूल रचना की थी और ये गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा था, ठीक है। और ये सभी पुस्तक जो है लोकमान्य तिलक की पुस्तकें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है, ऐसा बताया गया है 131 में, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय को देखा जाए तो कौन कौन से मामले जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें देख लीजिए, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो भी जो है प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दूसरा है आपका भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के जो विवाद होता है वो भी जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और तीसरा एक है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो वो भी जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत था वो विदेश नीति से संबंधित था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया गया है, तो भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई, तो वो था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो 21 का क, ठीक है, और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल का जो है उपबंध किया गया था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये जो है राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल कर जाने की प्रक्रिया का प्रतिबंध लगा दिया गया था 91वें संविधान संशोधन में, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाफ स्केल लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ क्या है? तो कॉमनवेल्थ का अर्थ है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीति के संबंध में हाफ्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी लेवियाथन, जो 1651 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ होता है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रमुख कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ठीक है, आधुनिक दल व्यवस्था का अगर प्रादुर्भाव देखा जाए तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी 1957 में, इसमें सिफारिश के अनुसार जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम शुरुआत जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह कहलाता है? तो वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो ये हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन कौन से था? तो वो था बेंथम, जेएस मिल, वर्लिन, फ्रेडमैन, ये सभी विचारक जो थे, ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते थे। ठीक है, और इसमें एक नाम आता है स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर को नकारात्मक सकारात्मक का प्रबल समर्थक माना जाता था। ठीक है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों का प्रबल समर्थक किसको माना जाता था? तो ये स्पेंसर था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो राज्यसभा व लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा द्वारा जो है संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने से पहले उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। ठीक है, यदि राज्यसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा द्वारा ही सिर्फ होगा, लोकसभा इसमें सम्मिलित नहीं होता है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है? तो ये यदमात्यम ये जो है मार्क्सवादी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को ही मार्क्सवादी सिद्धांत कहा जाता है। और इसकी जो सिद्धांत थे, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत एक था, इसको भी याद रखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत, तो चार सिद्धांत इसके माने जाते हैं जिसको मार्क्सवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें यदमात्यम ये नहीं था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या जिसको विशेषाधिकार कहते हैं, ठीक है, कुछ निश्चित मामलों में विशेषाधिकार है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विशेषाधिकार प्राप्त हैं,
कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, तथा यह कार्य जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण देख लीजिए, अनुच्छेद जो 356 है इसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रतिवेदन भेजना, तो ये राज्यपाल का ही कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से कुछ मामले हैं जो राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो वो है सामाजिक न्याय, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय माना जाता है। इन्होंने समाज में सबसे पिछड़े तबकों के लिए जो है सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता देते थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है, तो वो है प्रस्तावना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो है दार्शनिक आधार भूमि संविधान की प्रस्तावना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, तो वो होता है परमादेश, ठीक है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसके तहत क्या होता है कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी हो गया, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या कहा जाए तो लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की, तो ये किया था सर हेनरी मैन ने, ठीक है। हॉब्स, लॉक एवं रूसो द्वारा सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, और इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों में देखा जाए तो बेंथम, ग्रीन, बर्क, हेनरी मैन, ये सभी थे, ठीक है। हेनरी मैन ने जो है घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में इस सिद्धांत की आलोचना की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है, तो अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है आपका शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, और जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका अपने अपने कार्यों में प्रायः एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और शक्ति का इस पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये मॉन्टेस्क्यू, इसको याद रखिएगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। संविधान की 12वीं अनुसूची नगरपालिका की शक्तियों का उल्लेख करता है, और इसके अंतर्गत जो है शहरी क्षेत्र की जो है स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, और ये अनुसूची जो है 74वीं संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य एक मानवकृत संस्था है। 17वीं-18वीं शताब्दी तक जो है राजनीति विचारधारा में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान था, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य दैवी न होकर जो है मानवीय संस्था है, जिनका निर्माण जो है प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर जो है सबके हित के साधन के उद्देश्य किया है, ऐसा बताया गया था, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है, पूछा है, तो वो संस्था है योजना आयोग, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस संकल्प प्रस्ताव पर की गई थी जो मंत्रिमंडल द्वारा जो है 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था, और इसका कार्य जो है पंचवर्षीय योजना बनाना था। उसके बाद 17 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करके जो है इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, और इसका भी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनात्मक
द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में से किस एक की एक अनिवार्य विशेषता है? तो ये संघात्मक व्यवस्था का, ठीक है। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली में जो है संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, ठीक है। लॉक का विश्वास था कि जो संप्रभु है वो विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लॉक का जो प्रमुख योगदान देखा जाए संप्रभुता के सिद्धांत के रूप में, तो जिसके आधार पर उसने कहा था कि संप्रभुता शासक में नहीं बल्कि जनता में निहित होती है, उन्होंने राजा के शासन करने के दैवीय अधिकार का प्रबल खंडन करते हुए जो है संविधानवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के साथ अंग में नहीं है? तो वो था आपका पुरोहित, ठीक है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें क्या क्या था? स्वामी था, अमात्य था, पुर था, दुर्ग था, कोष था, जनपद था, दंड था, मित्र था, ठीक है। पुरोहित की बात नहीं कही गई थी, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका था? तो ये था जेनिल नेक का, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, ये जेनिल नेक का कथन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वयस्कों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो ये करता है सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी जो है ठीक प्रकार से इसको स्पष्ट करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं इसका अंतिम निर्णय जो है लोकसभा स्पीकर करता है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो विदेशों द्वारा मान्यता ये आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है, ठीक है। राजनीतिक दलों के लिए जो है आवश्यक नहीं है कि वह विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त करें, उसके लिए संगठन, सामान्य सिद्धांतों की सहमति, संवैधानिक साधनों में विश्वास, ये सभी से तत्व माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता ये नहीं दिया गया है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता कहा गया है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये सभी बातें उसमें हैं। लेकिन ये कहिए कि धर्म को प्रचार प्रसारण ये आचरण में लाना इसको स्वतंत्रता है इसके लिए, तो ये नहीं कहा गया, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1936 में किसी ने कहा गांधीवाद जैसा कोई चीज़ नहीं है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। 1936 में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधीवाद जैसा कोई चीज़ नहीं है। यही एक महान सुधारक तथा कर्मयोगी थे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो रूसो ने, ठीक है। सर्वप्रथम रूसो ने जो है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। रूसो ने जो है राजशाही हुकूमत को खारिज करते हुए अपनी एक रचना, अपनी एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये हॉब्स था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हाब्स के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। हाब्स के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार का अर्थ होता है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। तो ये किया गया है 37 में। ठीक है, अनुच्छेद 37 में जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, किंतु फिर भी इनके अधिकथित तत्व देश के प्रशासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये ऐसा बात कही गई है। और अनुच्छेद 40 में जो है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। और 42 जो है, 42 के अंतर्गत जो है काम की न्यायसंगत और मानवेचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। और 45 में जो है इसके अंतर्गत जो है शिशुत्व देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है शिक्षा है तो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 45 में। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो ये साहित्य, विज्ञान, कला, सभी हो जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है? तो 250। और इसमें जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता के क्षेत्र से जो है लिए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है? तो लॉर्ड एक्टन के। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं, यह कथन लॉर्ड एक्टन का था। एक्टन मानता था कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण जो है स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति अधिकृत है। ठीक है, राष्ट्रपति को संविधान द्वारा व्यापक विधियां शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई। तो ये 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 91वां जो था संविधान संशोधन, इसके द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित करना तथा दल बदल भी इसी में आता था। ठीक है, हम लोग पढ़ें अभी दल बदल का को जो है प्रतिबंधित करने का प्रावधान करता है अनुच्छेद संविधान संशोधन 91वां। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।